हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ड्रॉप ऑफ एजुकेशन। आपका यूट्यूब चैनल पे हमारे स्वागत है। आज हम जो स्पीसीज़ लेकर आए हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है, वो स्पीसीज़ आपका मोलस्का फाइलम से ही बिलोंग करता है। पिछली बार भी हमने मोलस्का फैमिली से ही एक स्पीसीज़ के बारे में पढ़ा था, आज हम वापस मोलस्का फैमिली से ही एक स्पीसीज़ के बारे में पढ़ेंगे। अगर हम इसके किंगडम की बात करें तो ये किंगडम एनिमेलिया से बिलोंग करता है। फाइलम तो बता ही दिया है जो कि मोलस्का है। और अगर क्लास की बात करेंगे तो जो क्लास है वो है पॉलीप्लैकोफोरा। और अगर हम इसके जीनस की बात करेंगे तो जो जीनस है वो है चिटॉन, यानी कि जिस स्पीसीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है चिटॉन। अगर हम चिटॉन की बात करें तो पहले सबसे पहले आप जानते हैं कि उसको देखना भी तो ज़रूरी है, तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि वो देखने में कैसा दिखता है और उसके पार्ट्स ऑफ बॉडी क्या क्या हैं। तो आप जैसा कि देख रहे हैं मेरे हाथ में, आराम से आप देखिए ये कितना सुंदर सा लग रहा है, जैसे कि कोई स्टोन हो, बट एक्चुअली ये स्टोन नहीं है, ये चिटॉन का ही एक स्पीसीज़ है। आप आराम से देख सकते हैं इस स्पीसीज़ को। अगर हम इस स्पीसीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो हम आराम से जान सकते हैं इस स्पीसीज़ के बारे में। सबसे पहले तो आपको आराम से देख रहे होंगे कि ये जो स्पीसीज़ है, इस स्पीसीज़ में देखिए आपके जो मेंटल्स दिख रहे हैं इसको हम प्लेट्स कहते हैं। 8 प्लेट्स प्रेजेंट, अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 प्लेट्स दिख रहे हैं। अगर हम इसके पार्ट्स ऑफ बॉडी की अगर बात करें तो ये सबसे पहला अपर जो आपको प्लेट्स देखने को मिले, और ये जो आप लाइन देख रहे हैं इस लाइन को हम मेंटल ग्रिल के नाम से जानते हैं, और ये मेंटल ग्रिल की सपोर्ट से 8 सेल प्लेटेड लगी होती हैं। साथ ही साथ इसमें फर्स्ट सेल प्लेट जो है ये आपका ये फर्स्ट वाला है, फिर आपके इंट्यूगमेंट आते हैं और फिर आपका लाइन ऑफ ग्रोथ। आप यहाँ पे देखिए ये है, आप जो देख रहे हैं आप इधर पे पार्ट, वो है आपका ट्यूबरकल्स, एंड फिर ये जो आपने सारा पार्ट्स देखा ये डॉर्सल व्यू। अगर हम इसके वेंट्रल व्यू की बात करते हैं तो कुछ इस साइड हमें देखने को, एक सेकंड रुकिए हम आपको इसको दिखाते हैं थोड़ा सा चेंज आउट करके। तो ये देखिए आप देख रहे हैं इसका, तो अगर हम वेंट्रल व्यू देखना चाहें तो वेंट्रल व्यू पे माउथ प्रेजेंट होता है, हेड होते हैं आपके, और लेबियल लैप होता है, सोल ऑफ फूट होता है, मेंटली पूरे ग्रूव देखने को मिल रहे हैं आपको, लास्ट में हमारा यहाँ पे होता है एनस। ये हमारा पूरा वेंट्रल व्यू है। तो ये पूरा डॉर्सल, इधर से हम डॉर्सल व्यू को देख सकते हैं आराम से, एक सेकेंड मैं दिखाती हूँ आपको, ये डॉर्सल व्यू है और इधर से हम वेंट्रल व्यू को देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से। साथ ही साथ हम इसके कुछ कैरेक्टर्स के अगर बारे में बात करेंगे तो अगर हम चिटॉन की बात करें तो चिटॉन जो होता है ये काफ़ी हेल्पफुल होता है एल्गीज एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, जो रॉक सरफेस पे प्रेजेंट होती है इनको फीड करता है। साथ ही साथ इसके पास एक रूडिमेंट्री टाइप का हेड होता है, और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इनके पास किसी भी प्रकार का, आप देख सकते हैं टेंटिकल्स वगैरह या आई वगैरह अभी तक हमें देखने को नहीं मिला है। इनके पास थिक मेंटल होता है जो कि इनके बॉडी को प्रीडेटर से बचाने में हेल्प भी करता है। साथ ही साथ ये जो पाए जाते हैं ये ज़्यादातर हमें सी वगैरह में देखने को मिलते हैं, या ऐसे वाटरी प्लेसेस पे जो कि लिट्रोरल जोन में देखने को मिलते हैं। और इनका जो, अगर हम सेक्स की बात करें तो इनके सेक्स जो होते हैं वो सेपरेटेड होते हैं, यानी मेल एंड फीमेल अलग अलग होता है। टूथ की बात करें तो टूथ जो होते हैं एकदम टंग लाइक होते हैं, बिल्कुल यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ये देखिए एकदम मसलरी देखने को मिल रहा है जो कि एकदम टंग जैसी चीज़ें दिख रही हैं। साथ ही साथ अगर इनके लार्वा की बात करें तो ट्रोकोफोर लार्वा। तो ये जो हमने देखा स्पीसीज़ वो हमने चिटॉन के बारे में देखा, उसके वेंट्रल व्यू को और उसके डॉर्सल व्यू को देखा, साथ ही साथ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और किस तरीके से दिखते हैं। तो ये सारे हमने आज जो भी कवर किया है इस ब्लॉग में वो हमने चिटॉन के बारे में पढ़ा है। तब अब आगे भी हम आपको एक नए स्पीसीज़ के साथ मिलेंगे, फिर से हम जानेंगे किसी एक नए स्पीसीज़ के बारे में। तब तक आप वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।